अगली खबर आ रही है अयोध्या रामनगरी को लेकर। रामनगरी में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या कमिश्नर और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के नाम की पैड़ी का निरीक्षण भी किया। 15 लाख से ज्यादा दीपक राम की पैड़ी के घाटों पर पहुंच गए हैं। बाती और तेर भी दीपोत्सव स्थल पर पहुंच गया है। दीपक बनाने के लिए कई संस्थाओं ने कार्य आरंभ कर दिया है और साथ ही साथ में राम की पैड़ी पर स्टेज बनवाया जा रहा है। रामकथा पार्क पर भी तैयारियां इन दिनों युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। महज 1 हफ्ते से कम का समय बचा है दीपोत्सव के लिए। विदेश समेत देश के विशिष्ट मेहमान दीपोत्सव में शामिल होंगे। अवध विश्वविद्यालय 15 लाख दीप जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस बार 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे राम की पैड़ी के घाटों पर। अवध विश्वविद्यालय के 22,000 वॉलंटियर जलाएंगे। 17 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार दुल्हन की तरह रामनगरी अयोध्या दिखेगी। कोई आगे भी इसी तरह से बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और पहले से ही आप सबको बधाई दे दूं, इतने पावन अवसर पर इतने पुनीत कार्य में हर बार करते हैं, इसके लिए आप पहले से ही मेरी ओर से बधाई ले लें। और उसके बाद कोई दुरुपयोग कर सकता है, और अब की बड़े लेवल पर हो रहा है, पूरी दुनिया की भी निगाह है। और पहले कोरोना की वजह से भीड़ कम भी संभावनाएं ज़्यादा हैं, जैसे मीडिया ही अब की दुगुना आ रही है, तो उसी तरह से पब्लिक में क्रेज बहुत बढ़ गया। गांव-गांव दीपोत्सव की चर्चाएं हो रही हैं, और आप लोगों के वजह से विदेशों से भी फोन आया कि वहाँ भी दीपोत्सव की न्यूज चल रही है। तो अभी तक कितने दिए आ चुके हैं? हमारे पास 15 लाख दिए आ गए, हम 21 तारीख से ही घाट पर लगा दीजिए। अभी वो बसे रहेंगी, उसी से वापस जाएंगी, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं तो अफरा तफरी लोगों में मचता है। उस पर भी मंथन अभी CO SPRA वगैरह थे, वहाँ भी बातें ये चल रही थी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और देखिए अगर कहीं हाई लेवल का कोई आ गया तो सिक्योरिटी तो भाई और टाइट हो जाएगी, फिर तो जिसका पास वास है वो भी मुश्किल एंट्री मिलेगी, और मिलेगी भी तो कैसे मिलेगी, ये तो प्रशासन की बात। आज दीपोत्सव जैसा 23 तारीख को संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक की गई है। जैसा हम सबको पता है कि उसमें लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की सहायता से वो दीपोत्सव संपन्न किया जाएगा। 21, 22 और 23 तीन दिन तक वॉलंटियर्स के उपयोग से दिया बिछाना, तेल जलाना, तेल लगाना और दिए जलाने का कार्यक्रम होगा। ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए बैठक बुलाई गई थी कि किस तरह से उनको अपना कार्य संपादित करना है। इसमें जैसा हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश शासन का, पर्यटन विभाग का और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा जो जिला प्रशासन है, सबके सहयोग से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रयास ये है कि इस बार ये अतुलनीय और अद्भुत हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए ये रखा गया। इक्कीस तारीख से दिया बिछाने का कार्यक्रम शुरू होगा, और हमारा ये लक्ष्य है कि 21 और 22 डेढ़ दिन में हम दिया बिछाने का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे, और उसके बाद उसमें तेल डालना, बाती डालना वगैरह सारा कार्यक्रम हमारा 23 तारीख की दोपहर तक पूरा हो जाएगा, ताकि शाम को सिर्फ दीप प्रज्वलन करने का ही कार्य बचा रहे। सर, इस बार अभी तक कितने दिए आ गए, आपके विशेष दिया कहेंगे? अलग अलग जो हमने लक्ष्य रखा है दिए प्राप्त करने का, तो अभी तक हमारे पास लगभग 15,000 दिए आ चुके हैं। एक दो दिन में बाकी भी दिए आ जाएंगे, और हर ज़िले से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और विशेष तरह के लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन को भेज रहे हैं, उनको भी हम उसमें प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। जनपद अयोध्या में 23 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी के दृष्टिगत आज जो वॉलंटियर्स हैं हमारे बच्चे जो दीप जलाते हैं, उनकी ब्रीफिंग रखी गई थी। यहाँ पर जो सुरक्षा से संबंधित बिंदु है हमारे, उसके संबंध में हमने उनको अवगत कराया, उनसे किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है ये इस संबंध में उनको बताया गया, और हमारे सुरक्षा प्रबंध किस तरह के रहेंगे इस संबंध में भी अवगत कराया गया है। बच्चों ने और हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए इस कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराएंगे। सर, क्या व्यवस्था है?
व्यवस्था हमारे जो बच्चे हैं जो वॉलंटियर्स हैं वो पास पे ही एंट्री पाएंगे, बच्चों को बता दिया गया है। जो हमारा एंट्री पाने के बाद वही बंदे मतलब बच्चे वहाँ रहेंगे अंदर, उसके अलावा इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, जो भी एरिया उनका अलॉट किया गया है दिया जलाने के लिए उसी में बने रहेंगे। एक अनुशासन का प्रण इन्होंने भी लिया है और हमने भी जो व्यवस्था वहाँ पर की उससे हम दोनों लोग मिलकर अच्छे से कार्यक्रम को सुना। कोरोना भी खत्म हो गया और ऐसे में भीड़ भी जाएगी तो कितना चैलेंज रहेगा इस बार? भीड़ का जो एस्टीमेट है उसका आकलन कर रहे हैं, भीड़ के साथ साथ भी सुरक्षा के प्रबंध के संबंध में हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में आपसे अलग से बात की जाए।